ओके स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू टेंसर। यानी कि आपको अगर दो टेंसर मिले हुए हों तो आप उनका सम और प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन देख लेते हैं। हमारे पास दो टेंसर हैं, वो गिवन है ए बी और बी ए बी। तो ए और ए बी इक्वल हैं 2013 के और बी 1b इक्वल है 0-1 और ए 2 के। ठीक है, सबसे पहले हम इसका फाइंड कर लेते हैं सम। सम फाइंड कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट c जो इसका सम होगा वो इक्वल है ab प्लस bab के। ठीक है, अब आप कुछ भी नहीं करना, आपको इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। अभी ये हमारे पास हो जाएगा, देन ये तो इसी लिखती हूँ मैं cab और aab की वैल्यू पुट कर दें जो हमें गिवन है 2013 है। ठीक है, और प्लस और बी ए बी की वैल्यू पुट करें वो है 0-1, 1 and 2। ये वैल्यू पुट कर लें आप। ठीक है, अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इनको सिंपल प्लस कर लें सी ए बी। हम प्लस करेंगे, 2 में 0 प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, 0 में -1 करेंगे तो -1, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 और 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएंगे। ये इसका सम हो गया। अगर टू टेंसर आपको मिले हुए हैं, दो टेंसर मिले हुए हैं, तो उन्हें प्लस हम इस तरीके से करेंगे, बहुत सिंपल है। और आप इसका रैंक लिखेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए कंट्रा वैलेंट और कोवैलेंट कितने हैं, दोनों 1-1 हैं, दोनों को प्लस कर लें तो रैंक हो गया 2। और अगर आपको रैंक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लें। इसके अलावा इसका वैलेंस हो जाएगा, एक कंट्रा वैलेंट है और एक कोवैलेंट है 1-1। ठीक है, ये इसका हो गया, बैलेंस हो गया। तो ये तो हम फाइंड करने का जो मेथड है कि सम को हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट को देख लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, प्रोडक्ट को देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ये प्रोडक्ट वही हमारे पास प्रीवियस वाली एग्जाम्पल उठाई है मैंने, ए बी इक्वल है 2013 के और बी ए बी बराबर है 0-1, 1, 2 के। अब इनकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, मैंने ले लिया डी ए सी बी डी जो है, दोनों वैल्यू लिख दी हैं। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। अब इसके अंदर पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, बहुत ही आसान है। इसके अंदर क्या होगा, ये जो है एलिमेंट जाएगा, ये 2 है ना, ये जाके इन तमाम से मल्टीप्लाई होगा। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, फिर 2 जाके 1 से होगा तो माइनस का 2, फिर 2 जाके इधर 1 से होगा तो 2। ठीक है, फिर 2 जाके इस 2 से होगा तो 4 हो गया, अभी 1 हो गया। अब 0 जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, 0 जाके 0 से होगा तो 0, फिर 0 जाके -1 से होगा 0, 0 जाके 1 से होगा 0, 0 जाके 2 से होगा तो 0। अब 1 जाके होगा, 1 जाके 0 से होगा तो 0, फिर 1 जाके -1 से होगा तो -1, फिर 1 जाके 1 से होगा तो 1, 1 जाके 2 से होगा तो 2 होगा। ठीक है, अब जो है हमारे पास 3 जाके 0 से होगा तो 0, फिर 3 जाके -1 से होगा तो -3, फिर 3 जाके 1 से होगा तो 3 और 3 जाके 2 से होगा तो 6 हो गया। ठीक है ना, ये इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। अभी ये देखें, ओके, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स तरीके से बन गया है। अच्छा, आपको ये बात रखनी है, जो हमारे पास ए बी होता है ना, यानी कि ये था हमारे पास ए बी था, तो ए बी हमें देता है कि कितने पार्शन के आपको मैट्रिक्स बनाने हैं। ये मैट्रिक्स बनाने में आपकी हेल्प करता है, आप इसकी मदद से यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हुए मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, जबकि आपके पास ये जो सी डी होता है, ये आपको एलिमेंट देते हैं उस मैट्रिक्स में क्या जाएंगे, यानी कि इनकी मदद से हम मैट्रिक्स बनाते हैं, फिर सी डी जो है वो एलिमेंट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब जो अगर हम देखें कि इस जो है, अगर हमारे पास इस टेंसर का हम देखते हैं इसका रैंक क्या है, तो इसका रैंक हो जाएगा कि हमारे पास कितने कंट्रा वो जो है रैंक कह लेंगे आप, ऑर्डर कह रहे हैं, ऑर्डर भी कह सकते हैं, तो इसका रैंक हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसका रैंक हो जाएगा 4, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रैंक हो गया 4। ठीक है, और इसकी वैलेंस हो जाएगी 2, 2। ठीक है, आई होप आपको जो है ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ सम और प्रोडक्ट सीखा है कि अगर आपको टू टेंसर गिवन हो तो आप कैसे उसका सम एंड प्रोडक्ट
फाइंड कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।